हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आज के ब्लॉग में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 3 बज रहा है अभी, तो इधर ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसलिए दिल नहीं कर रहा था क्योंकि जो है ना, सब्सक्राइब जो है मेरा बढ़ रहा है और एक दो कम जा रहा है अपने आप। क्यों हो रहा है नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोची नहीं, वीडियो बनाना ज़रूरी है, नहीं डालूंगी तो यूट्यूब जो सोचेगा से एक दिन डाल रहे हैं, 10 दिन नहीं डाल रहे हैं, तो उस तरह से होने से जो वीडियो वायरल भी नहीं होता है। तो इधर में देखिए, सूजी का जो अप्पे है मैं बना ले रही हूँ बच्चे के लिए। और इधर में थोड़ा मुझे बाहर भी जाना है, जो केक का सारा सामान लेके आना है, कि मैं पिछले टाइम प्रीमिक्स से बनाई थी और मैदा से बनाना बाकी है, क्योंकि दिन से मैं सीखी हूँ। वो बोले अभी मैदा से भी बनाइए दिखाइए, तो अभी मैदा का बनाना बाकी है। इधर शाम हो चुका है और जाऊंगी मैं, तब तक इधर मैं बीच बीच में देख ले रही हूँ। और थोड़ा पोहा भी बनाना है, तो आज यही सब बनाऊँगी थोड़ा सा शाम को। तो इधर मैं तैयारी भी कर ली हूँ और इधर आपने दिखा देती हूँ क्या क्या। सबसे पहले थोड़ा सा मुहलिया ठीक कर लेती हूँ। तो अभी बन चुका है 4:30 और मैं जा रही हूँ फिर से कुछ बनाने। मैं थोड़ा सा बनाई थी बच्चा के लिए, तो मैं थोड़ा सा रख दी हूँ गर्मा गर्म फिर बनाने के लिए। इधर देखिए, मैं आलू कट कर ली हूँ एकदम पतला पतला, और इधर बादाम ले ली हूँ, और इधर देखिए प्याज और करी पत्ता ले ली हूँ। तो मैं आलू वाला थोड़ा सा पोहा बनाऊँगी, तभी ठीक, नहीं तो रोटी बनाने बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। तो मैं सोची यही आसान है। आ इधर देखिए, आप बादाम उठा उठा के खा ही जा रहा है। इसका सामने रख दीजिएगा तो पूरा खा लेगा बादाम, बादाम का दीवाना है। तो मैं जा रही हूँ अभी बनाने। राई डाल दी, और ये जो हरा मिर्च, और जो है मैं प्याज भी डाल दूंगी। तो इधर मैं देखिए आलू फ्राई कर ली हूँ, और मैं करी पत्ता भी इसमें अभी डालूंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और नमक डालने के बाद जो है ना, आलू अच्छे से बहुत ही अच्छे से भून जाता है। तो इसको मैं भुनाई कर लूँगी। अब जो है दो तीन डंठल करी पत्ता मैं डाल दूँगी इस जगह पर। और इधर मेरा मोबाइल को हो चुका है बीमारी पकड़ लिया, इधर अपने आप जूम हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, और अपने आप कम हो जा रहा है। देख सकते कितना जूम हो गया है, अभी देखिए ठीक हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। और जो है पोहा मैं धो दी हूँ, कुछ ज़्यादा ही धुलाई हो चुका है इसका, इसीलिए इतना सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। तो खैर कुछ भी नहीं, मैं इसी तरीके से बना देती हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा मूँगफली डाल दूँगी, तो कुछ कूटा हुआ डाल रही हूँ और कुछ अक्खा डाल दूँगी मूँगफली। तो मैं आलू वाला, मुझे आलू वाला जो है ना, आलू का जो पोहा है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं आलू डाल के बनाती हूँ। साबूदाना का भी खिचड़ी बनाती हूँ, तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और थोड़ा सा जो अप्पे बचा था वो भी मैं बीच में बना लेती हूँ। और इधर देखिए सब बन चुका है, और इधर देखिए जो मेरे हस्बैंड है वो भी आ चुके हैं, इधर खा रहे हैं और उसको बच्चे को भी खिला रहे, बहुत बदमाश है। तभी मैं जा रही हूँ तैयारी हो जाने बाहर जाने के लिए। तो देखिए इधर रात हो चुका है, और अब मैं क्या क्या सामान खरीदी हूँ यहाँ पर वो कल दिखाऊंगी, क्योंकि लेट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी।